अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीई मैथ 113 के चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज, इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके पार्ट 3 और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास जो डाटा है, a is equal to 3 है, r is equal to -2 है, n is equal to 10 है। हमने a 10 यानी कि 10th टर्म फाइंड करनी है। फॉर्मूला है हमारा, जो इसकी जो फॉर्म है वो an is equal to a into r की पावर n minus 1। फॉर्मूले की मदद से हम टर्म्स फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के अंदर। सो n is equal to है 10, a 10 हमने फाइंड करना है, a हमारे पास जो है 3 है, r की वैल्यू जो है -2, इसकी पावर हो जाएगी 10 - 1, यानी n माइनस 1 यानी n 10 है, तो 10 - 1 ये 9 हो जाएगी। सो a 10 इज इक्वल टू 3 इंटू -2 की पावर हो गई 9। 2 की पावर 9 है, ओड नंबर है, ठीक है। ओड नंबर में मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करना चाहें ना, तो ये भी आपको वैल्यू दे सकता है। यहाँ पर आप लिखें, इस तरह वैल्यू बना लें, ब्रैकेट लिखें और यहाँ पे लिखें -2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लें और ऊपर फिर आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट बटन क्लिक करके यहाँ पे 9 लिखते हैं। ये आपको बता देगा नेगेटिव आपके पास 512 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। और a 10 जो है, अब इसकी वैल्यू देखते हैं, उसको आपने यहाँ पर जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेगेटिव में आपके पास 1536 यानी 1536 जो है इसका आंसर आ रहा है। मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो उससे टैली हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारी जो है वो रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 2.4, इसके क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 था, और इसको आपने अच्छी तरह से इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इसके अगले क्वेश्चंस और पीछे जितने भी आपको क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, उन सबको अच्छी तरह से तैयार कर लें। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक जो है मेरे चैनल पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ जो है वीडियो को शेयर करें, और इसके साथ ही जो है यानी कि पॉजिटिव रिव्यूज, आपने पॉजिटिव रिमार्क्स और अच्छे कमेंट्स देने हैं आपने कमेंट बॉक्स में। और आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।